हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मास्टर में। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे रेनो 6 प्रो का, ओरिजिनल ओप्पो डायलर, ओप्पो कॉलिंग डिस्प्ले मिलेगा कब मिलेगा, तो वो आज इंतजार ख़त्म हुआ। हम आपके लिए ले आए हैं ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ है गूगल डायलर और कॉलिंग डिस्प्ले, एक तरफ है ओप्पो का डायलर और कॉलिंग डिस्प्ले। तो ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे, ये हम पूरा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और एक हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, रेनो 6 में कॉलिंग कॉल रिकॉर्डिंग की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत से सेटों में कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन शो होती थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती थी, या तो ऑप्शन ही नहीं आती थी। और जिनको ऑप्शन आती थी उसमें भी सामने वाले पर्सन को मैसेज आता था कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आज की वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, आपका कॉलिंग डिस्प्ले चेंज होगा, आपका इनकमिंग कॉलिंग डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, आपको कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो पहले आप जो भी अपनी कॉलिंग वगैरह थी, डायरेक्ट आप डायल पैड में या कॉल के अंदर जाके चेक कर सकते थे, लेकिन अब वाले में ऐसा नहीं है ओप्पो के ओरिजिनल डायल में। तो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ यहाँ सेटिंग में। यहाँ मेरे पास है 11.3 कलर ओएस। तो ये जो APK आई है ये सिलेक्टेड फ़ोन के लिए है, कलर ओएस जिसमें 11.1 या 11.3 है उसी में ये इंस्टॉल होगी। तो ये आपको फाइल कैसे मिलेगी, आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपने वो ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपने मैसेज करना है कि आपको आपका कलर ओएस 11.1 है या 11.3 है। जो आपका कलर ओएस होगा आपको वो फाइल सेंड की जाएगी, आपको साथ के साथ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डायलर है, कॉलिंग डिस्प्ले, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हम ये APK एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने परमिशन दे दी। तो परमिशन देने के बाद आप देखेंगे नीचे आपका ओरिजिनल जो डायलर है वो भी रहेगा, तो आपका एक और डायलर बना आ जाएगा ग्रीन कलर में। आप ब्लू कलर डायलर को कहीं फोल्डर में डाल लीजिए या कुछ। तो मैं आपको दोनों चला के दिखा देता हूँ, ये गूगल डायलर है, ये ओप्पो का डायलर है। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो कॉलिंग चेंज करनी है वो कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपको दोबारा ओरिजिनल वाले डायलर में जाना है। यहाँ ऊपर ऑप्शन शो होगी आपको डिफॉल्ट सेट एज ए डिफॉल्ट, तो आपने सेट एज ए डिफॉल्ट कर देना। तो उसके बाद जब आप कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कॉलिंग डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी आपको मिल रही है, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और दूसरे पर्सन को मैसेज नहीं जाता इस कॉल रिकॉर्डिंग में, दूसरे पर्सन को मैसेज नहीं जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी फाइल है ये भी आपके फोल्डर के अंदर सेव होगा, जो कि पहले नहीं था। अब आप जब ब्लू वाला जो ओरिजिनल डायलर था गूगल का वो करेंगे तो वो कुछ ऐसे ऑप्शन आएगी। अगर आप इसे सेट डिफॉल्ट कर देंगे तो आप जो आपकी कॉलिंग होगी दोबारा से गूगल इनकमिंग डिस्प्ले में शो होगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ जो है ये ऑप्शन है ये आपको डायलर में दिखेगी सेट है, से आपने डिफ़ॉल्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो इनकमिंग कॉलिंग डिस्प्ले है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और कॉलिंग रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी, कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और आपकी जो फाइल है वो भी आपके फाइल मैनेजर में सेव होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं, सेटिंग खोलेंगे, इसमें आपको एक अपडेट भी आएगा, वो अपडेट भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, इसके अंदर आप जो कॉल करना चाहते हैं या अननोन नंबर जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।